क्या आप कोई अपना बिजनेस ओन करना चाहते हैं या आप नेशनल या इंटरनेशनल ब्रांड जो हैं वो ओन करना चाहते हैं, वो भी ऐसी जगह पे जो कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो, एक मेन बिजनेस हब हो। आज की मेरी वीडियो इसी के ऊपर बेस है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट डिटेल्स दी जा सके। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तौसीफ शाह फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम ग्रुप। जैसा कि आप सब जानते हैं, टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और रियल स्टेट मार्केट के अंदर जो अपडेट्स हैं और ट्रेंड्स हैं, इसके वाले से अपडेट प्रोवाइड की जाती है। आज का जो हमारा वीडियो का मेन फोकस है वो बैरिया टाउन, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो कमर्शियल मार्केट है और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके ऊपर हमारा इस वीडियो का मेन फोकस है। अगर हम थोड़ा सा बैरिया टाउन की हिस्ट्री की बात करें तो बैरिया टाउन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स इस टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं और बिजनेस कर रहे हैं। उसकी मेन वजह ये है कि बैरिया टाउन ने जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिसकी वजह से ये तमाम जो नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर अट्रैक्ट हुए और उन्होंने यहाँ पर अपनी आउटलेट्स ओपन की हैं और अपना बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो भी बैरिया टाउन ने काफ़ी हाई एंड और वर्ल्ड क्लास दी हैं, जिसकी वजह से जो आपकी एक लीड क्लास है और बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोग हैं वो भी बैरिया टाउन के अंदर रिहाइश रखते हैं, जिसकी वजह से इसकी मार्केट को बहुत ज़्यादा बूम मिलता है। अगर हम बैरिया टाउन फेज़ 8 की बात करें रावलपिंडी की, तो ये मेन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, बिजनेस हब है, जहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई राइज कमर्शल जो हैं वो ऑलरेडी बन चुके हुए हैं, वहाँ पे बिज़नेस ऑपरेट हो रहा है। और इस टाइम पे इस जगह पे ऑलमोस्ट 25 से 30 जो प्रोजेक्ट्स हैं हाई राइज वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर हैं। कोई ग्रे स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, कोई फिनिशिंग की स्टेज के ऊपर है, कुछ जो हैं वो प्री लॉन्च के ऊपर इस टाइम पे सेल हो रहे हैं और कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च रेट्स के ऊपर जा चुके हुए हैं। इसी जगह पे मेन जो बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है फेज़ 8 की नेव स्टैचू ऑफ लिबर्टी, टाइटेनियम ग्रुप ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है द व्यू पार्ट 2 के नाम से, जो कि इसकी जो मेन है वो 360 फीट रोड के ऊपर लगती है और जो इसका बैक है वो ऑलमोस्ट 250 फीट का रोड है। इससे पहले टाइटेनियम ग्रुप ने लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर किए हैं और सोल्ड आउट किए हैं। बैरिया टाउन लाहौर के अंदर हमारा व्यू पार्ट 1 के नाम से एक प्रोजेक्ट था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, लोगों ने इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया था जो हमारे क्लाइंट हैं, क्योंकि उन्होंने जहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की थी उनको टाइमली उनका जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर किया गया था, प्लस उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 30 से 40% जो एक ह्यूज प्रॉफिट गेन है वो हासिल किया था। इसके बाद अब हमने मेन रावलपिंडी फेज़ 8 के अंदर व्यू पार्ट 2 के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो कि ओन बाय टाइटेनियम ग्रुप है, डेवलप बाय टाइटेनियम ग्रुप है और मार्केट बाय टाइटेनियम ग्रुप है। अगर हम द व्यू पार्ट 2 के प्रोजेक्ट के वाले से बात करें, इसका लेआउट और फ्लोर प्लान डिस्कस करें, तो ये टोटल 10 फ्लोर्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके अंदर हमारे पास लोअर ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी है, और इससे ऑनवर्ड्स 3rd से लेके 6th तक जो फ्लोर्स हैं उसके ऊपर हमारे पास रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट कैटेगरी के, जिसमें हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, और जो लास्ट फ्लोर्स हैं 7th और 8th फ्लोर, इसके अंदर हमारे पास होटल अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। लोअर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमारे पास एग्जीक्यूटिव ऑफिसेज और ब्रांडेड आउटलेट्स और कमर्शियल जो हैं वो शोरूम्स अवेलेबल हैं। इनके अगर हम रेट्स की बात करें तो ये इस टाइम पे प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप जो कमर्शियल के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोअर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मिनिमम 35,000 पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर बाइंग कर सकते हैं और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप 55,000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर बाय कर सकते हैं, और रेजिडेंशियल के अंदर आप 14 लाख की इन्वेस्टमेंट से आप रेजिडेंशियल यूनिट बुक करवा सकते हैं। ये भी प्री लॉन्च रेट्स हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको रेट्स का कंपैरिजन दूं इस फेज़ 8 की मार्केट का, तो यहाँ पे जो हाई राइज कमर्शियल हैं उनके अंदर जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बुकिंग हो रही है वो 75 से 80,000 पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर हो रही है। ये भी प्री लॉन्च रेट्स हैं। फ्यूचर के अंदर ये भी इसको जाके टच करेंगे तो जो इस टाइम पे लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको काफ़ी एक फ्यूचर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर गेन देखने को मिलेगा। अगर हम थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन और इसकी अपडेट की बात करें तो ये, और इसका जो टाइम पीरियड है पेमेंट प्लान का उसकी बात करें, तो जो पेमेंट प्लान है इसका वो 2.5 साल का है और 24 मंथ्स में आपको इसकी कीज हैंड ओवर की जाएंगी। अपडेट कहाँ तक है इसकी कंस्ट्रक्शन की, ये भी प्रोजेक्ट जो है इसकी NOCs, इसका लेआउट प्लान, इसका पेमेंट प्लान और इसका फ्रंट एलिवेशन, इस फेज़ के अंदर काफ़ी टाइम लगता है, वो फेज़ हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसकी तमाम ये चीज़ें NOCs, लेआउट प्लान, पेमेंट प्लान और फ्रंट एलिवेशन वो कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। अब नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर जो है
इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो जो इसकी प्राइसेस हैं वो कुछ ही मंथ्स में जो है वो रिवाइज़ हो जाएंगी और इसका लॉन्च पेमेंट प्लान आ जाएगा, जिसके अंदर आप प्राइसेस के अंदर 15-20% जो है वो एप्रिसिएशन देखने को मिल सकती है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स या बुकिंग के लिए आप स्क्रीन के ऊपर मेंशन मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा सेम नंबर व्हाट्सएप और ईमो के ऊपर अवेलेबल है अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।